क्या ये प्रोडक्ट मेरे बेबी के लिए ठीक है, इसे यूज़ करें कि नहीं, चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कलरफुल लाइफ। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मामा आर्थ के कुछ बेबी प्रोडक्ट्स की, ये वर्केबल है या नहीं, तो चलिए देखते हैं। हर माँ को फिक्र होती है कि बच्चा सेफ रहे, उससे मच्छर ना काटे, क्योंकि मच्छर काटने से बीमारियाँ बढ़ती हैं। बट जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हम मॉर्टिन या ऑल आउट ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। तो ऐसे में क्या किया जाए? मामा अर्थ में मॉस्किटो रिपेलेंट के बहुत से प्रोडक्ट आ चुके हैं, बट क्या ये प्रोडक्ट हमें यूज़ करने चाहिए? क्या ये प्रोडक्ट बच्चों के लिए सेफ़ है? क्या इनके रिजल्ट्स हैं? क्या इन्हें हमें ख़रीदना चाहिए? इन्हीं सवालों का जवाब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बनी रहिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ मॉस्किटो नेचुरल रिपेलेंट स्प्रे की। तो ये एक स्प्रे फॉर्म में आता है, इसे एक कैप दी हुई होती है और यहाँ पे है आपका स्प्रे पॉइंट। तो आप इसे स्प्रे कर सकते हैं बच्चे के आसपास, मतलब जहाँ वो सोया हो उसके ब्लैंकेट पे, उसकी क्लॉथ पे या बेडशीट पे। अगर बच्चा खेल रहा हो तो आप उसके क्लॉथ पे भी कर सकते हैं। ये 100 ml प्रोडक्ट आ जाता है आपको 299 का, एंड ये डीट फ्री है और इसे 3 महीने के ऊपर के बच्चों के लिए यूज़ किया जा सकता है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इनके रिजल्ट नहीं है एंड ये एक्सपेंसिव भी हैं। ठीक है, आपको 100 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है, बट ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, ताकि क्योंकि इसके रिजल्ट ही दिखते नहीं हैं। सो आई डोंट रिकमेंड यू। हमारा सेकंड प्रोडक्ट है मामा अर्थ का 100% नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट पैचेस। डीट फ्री है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। 24 पैचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड इट इज़ वेरी यूजफुल। ये पैचेस आप बच्चों के स्कूल बैग्स पे, उनके शूज़ पे, जहाँ वो सोते हैं उस कुशन पे आप लगा सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी वर्केबल। इसके रिजल्ट्स है बहुत अमेजिंग है एंड दिस इज़ हाईली रिकमेंड, इट इज़ माई रिकमेंडेशन, डेफिनेटली यूज। देन हमारा थर्ड प्रोडक्ट एक मॉस्किटो प्रोडक्ट नहीं है, बट इट इज़ बेबी प्रोडक्ट, इसलिए मैंने इसका भी रिव्यू साथ में शेयर कर दिया है। इट इज़ ब्रीथ इजी वेपर रोल ऑन। इससे बेबी की सर्दी कम या ठीक नहीं होगी, बट जब बच्चों को सर्दी होती है तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो अगर आप इससे उनके माथे पे रोल करते हो, चेस्ट पे रोल करते हो, पैरों के तलवे पे रोल करते हो, इसे ऐसे एक रोल ऑन दिया है तो उन्हें थोड़ी राहत मिलती है, सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती, एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल प्रोडक्ट। मैंने इसे यूज़ किया है एंड इट दिस इज़ ऑल्सो माई रिकमेंडेशन। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यू कैन चेक आउट। देन हमारा फोर्थ और लास्ट प्रोडक्ट है आफ्टर बाइट रोल ऑन। इतना ध्यान रखने के बाद भी अगर बच्चे को मच्छर ने काट लिया तो क्या किया जाए, क्योंकि वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, कभी कभी गाड भी बन जाती है एंड बच्चे बता नहीं सकते, वहाँ पे खुजली होती है तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर रोते रहते हैं। जब बच्चा सो रहा हो आपको सिंपली जहाँ पे मच्छर ने काटा है वहाँ पे इसे लगाना है। आप सुबह देखेंगे कि रेडनेस पूरी चली गई है, गाड भी पूरी चली गई है एंड वहाँ पे ऐसा लगता ही नहीं कि मच्छर ने काटा है। तो इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल प्रोडक्ट, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पहला प्रोडक्ट मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे अगर छोड़ दिया जाए तो सारे ही प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग हैं, थोड़े एक्सपेंसिव हैं बट ये आपको हमेशा ही डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएंगे मामा अर्थ के ऐप पे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने रिजल्ट भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इनका और एक प्रोडक्ट है फैब्रिक रोल ऑन। इसे जस्ट बच्चों के फैब्रिक पे 2 ड्रॉप लगा लीजिए एंड दे आर गुड टू गो। इट इज़ वेरी इजी टू कैरी, सो इट इज़ वेरी नाइस प्रोडक्ट। ये भी आप ट्राई करके देख सको। तो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट रिव्यू। मेरा चैनल यूट्यूब पे नया है तो मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आपको अगर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके।